जिसका नाम है समानता का अधिकार।
आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा मुझे गोवा जाना है। क्या गोवा जाना है? क्यों? पापा हमारे विद्यालय की तरफ से हमें गोवा लेकर जा रहे हैं। क्या गोवा लेकर जा रहे हैं? नहीं, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही इतने दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा प्लीज। नहीं, जाकर अपना काम करो। पापा पापा आ गया मेरा लाल। हाँ पापा। कहाँ था? दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। हाँ मजे किए बहुत पापा। मुझे भी गोवा जाना है। जा गोवा जा। थोड़े पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? 20,000। ये ले 30,000। पापा पापा ये क्या? आपने भाई को जाने दिया, मुझे नहीं? मुझे भी गोवा जाना है। खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी दूर गोवा कल्ले नहीं भेज सकता। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी तो आजादी का अधिकार है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार की ओर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, सब सारे सपने पापा के अपने, गले चला मैं नौजवान। क्या कर रहे हो? मालकिन सास पाई कर रहा था। ऐसे सास ना करते हैं चार को, तू गंदगी पड़ी हुई है। मालकिन सास पाई तो कर रहा। उसे जवान लड़ा दे। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसके चाहे जैसे बर्ताव करूं। तुम कौन हो के पीछे बोल रही? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा नौकर है, तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकती हो। लेकिन इसकी उम्र तो देखो, 14 वर्ष से भी कम है, तुम्हें इसके ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? मैं इसको पैसे क्यों? मेरे पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है, तो मेरा इसको पूरा है। मैं मानती हूँ कि तुम इसे पैसे देती हूँ, तुम्हारे पैसे से इसका परिवार चलता है, लेकिन तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। क्या जेल? हाँ जेल, क्योंकि ये काम कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। क्या कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है? हाँ कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए हम बढ़ते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की ओर। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। कौन हो तुम लोग? भाई तुम कौन हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं शेख हूँ और ये मेरी जगह है। ये हमारी जगह, हम ही आपको जगह देते हैं। ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी जगह है, यहाँ पे हमारे धर्म के लोग आते हैं। नहीं ये हमारी जगह। नहीं ये हमारी जगह। नहीं ये हमारी जगह। हमारी जगह। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या रुको, तुमने तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारी जगह, हमारी जगह क्या लगा रखा है? अब क्या धर्म निभाने के लिए स्थान बांटोगे क्या? नहीं ना, देखो भाई भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है, यहाँ पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम बढ़ते हैं अपने पांचवें मौलिक अधिकार की ओर। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम इतने महंगे और अमीर के कॉलेज में क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी अगली पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन लिया है। लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा? तुम इसकी चिंता मत करो, इसके लिए मुझे सरकार मदद कर रही है, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप की मदद से आगे पढ़ोगी? लेकिन तुम्हें पता भी है आगे जाकर कितना खर्चा होगा? तुम्हें जो बोलने हैं वो बोलो, मुझे डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है। क्या डॉक्टर बनना है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है आगे जाकर कितना खर्चा होगा?
अपने आखिरी मौलिक अधिकार की ओर। रुको, तुम मेरा सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, क्या सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो? दिखाई दे रहा है, पर मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना तो क्या सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? ओ मैडम, जानती नहीं हो मुझे कौन हूँ मैं। अच्छा, कौन हो तुम? मैं यहाँ के SP की बेटी हूँ, मुझे ये सिग्नल देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पापा